नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं thelallantop.com की खास सीरीज पड़ताल, जिसमें हम सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठों का पर्दाफाश करते हैं। आज का झूठ एक बच्चे की तस्वीर है जिसे वायरल किया जा रहा है। बच्चा एक तस्वीर में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है, प्यारा सा बच्चा है। फिर पोस्ट में आगे लिखा जाता है कि इस बच्चे को योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने मार दिया क्योंकि ये सपा का समर्थक था, और उसके बाद कातिलों के लिए सज़ा की मांग की जा रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लानत मलानत भेजी जा रही है। ये गलत है। कैसे गलत है हम आपको बताएंगे। पहले आप वो पोस्ट देख लीजिए जो सर्कुलेट की जा रही हैं फेसबुक के अलग अलग पेजेस से। बच्चे की तस्वीर हमने ब्लर कर दी है, बच्चे की लाश की तस्वीर। लिखा है, यह वही सम्राट है जिसने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा। ये वो तस्वीर है। कल योगी के कुछ नामराद गुंडों ने दुश्मनी निकालने के लिए इसकी हत्या कर दी। घटना जनपद जालौन, मेरा गृह जनपद, वहाँ के कंत गांव की है। आज सम्राट के गांव में मातम पसरा है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा करिए। उसके बाद ये प्रिंस यादव हैं, इन्होंने भी एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है। सारी वही डिटेल्स हैं, छोटा बच्चा, फिर बच्चे की लाश, और बार बार यही चीज़ कही जा रही है कि इसको योगी के गुंडों ने मार दिया। ये देखिए, इसमें भी वही है। ये इस बार मोहम्मद हाशिम के उससे पोस्ट है। कुछ चीज़ें मदीना से पोस्ट हो रही, कुछ यूपी से पोस्ट हो रही, कहीं और से पोस्ट हो रही हैं। इसमें भी बच्चे की लाश है, चारों तरफ लोग घेरा बनाए खड़े हैं और कहा जा रहा है कि इसे मार दिया गया, इसके हत्यारे को फांसी की सज़ा की मांग करिए। इस पोस्ट में अब थोड़ा सच्चाई बताते हैं। पड़ताल जब हमने की तो पता चला कि इस पोस्ट में थोड़ा सच है, बाकी सब झूठ है। घटना सच है, जालौन में कंथ नाम का गांव है, वहां पे एक बच्चा था सम्राट नाम का, ये भी सच है। गांव में मातम पस रहा है, ये भी सच है। लेकिन ज़मीन पे जो बच्चा दिखाया जा रहा है जिसकी हत्या की गई है, उसका नाम सम्राट है और उसका समाजवादी पार्टी का झंडा थामे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चा कंथ गाँव का सम्राट नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि जो बच्चा मारा गया कंथ गाँव में, वो कौन है और उसे किसने मारा, इस बच्चे को किसने मारा, अगर ये वो सपा का झंडा फहराने वाला बच्चा नहीं है। हमने जालौन के एसपी अमरेंद्र सिंह से बात की, जालौन कोतवाली के जो इंचार्ज हैं संजय कुमार गुप्ता, उनसे भी बात की, और जो बच्चा मारा गया है सम्राट, उसके पिता इंद्रपाल से भी बात की। एसपी और स्टेशन इंचार्ज दोनों ने बताया कि कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। हमें लगा कि ऐसा हो सकता है कि भाई सरकार का दबाव हो, इसलिए तो झूठ नहीं बोल रहे हों। तब बच्चे के पिता से भी बात की, सम्राट के पिता। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 2 साल 4 महीने का था, 24 मई 2018 को वो लापता हो गया। हमने सब जगह खोजा, वो नहीं मिला। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने भी बच्चे को खोजना शुरू किया, और फिर 25 मई को बच्चे की गांव के बाहर लाश मिली। किसी ने उसका गला घोटकर उसे मार डाला था, फिर उसकी लाश वहां कूड़े में फेंक दी थी। सम्राट के परिवार का साफ कहना है उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। सम्राट के पिता दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। जब उन्हें पता चला कि बेटा खो गया तो वो गांव पहुंचे, उनसे हमारी बात हुई। जब हमने उन्हें बताया कि सम्राट को लेकर सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो उनके पिता इंद्रपाल ने ताज्जुब जताया। वो दुखी हुए कि उनके इकलौते बच्चे की हत्या पर लोग राजनीति कर रहे हैं। इंद्रपाल ने हमसे कहा, हमारे परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। सम्राट 2.5 साल का भी नहीं था। इतने छोटे के बच्चे के मर्डर में राजनीति कहाँ से आएगी? प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत होने दीजिए। लल्लन टॉप भी आपसे यही कहता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी पक्ष के जो झूठ हों उनको प्रसारित मत करिए। ये करके आप अपना, अपने समाज का अहित कर रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी को हटाना है, आपको राहुल गांधी को हटाना है, जिसको हटाना है हटाइए। लोकतंत्र में वोट की ताकत है, उससे हटाइए, तर्कों से हटाइए। जो इन राजनेताओं के कार्यक्रम हैं, इनकी जो कार्यावधि में चीज़ें हुई हैं, उनकी आलोचना करिए, लोगों को कन्विंस करिए, विरोध करिए, जो करना है करिए, पर झूठ का प्रसार करके ये मत करिए, चाहे आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हों चाहे विरोधी हों। और कई लोगों को लगता है कि ये झूठ का प्रचार, ये फेक न्यूज़ सिर्फ नरेंद्र मोदी के समर्थक ही करते हैं, उनके आईटी सेल वाले करते हैं। वो भी अपनी आंखें खोल लें, हम आम में सब नंगे हैं। इसीलिए हमें जो भी उदाहरण मिलता है उसको हम दिखाते हैं। आप देखिए, एक पेज है, मोदी को हटाओ देश बचाओ, मोदी मुक्त भारत, उसमें भी इसी प्रोपोगंडा को शेयर किया गया है। इस बार शेयर करने वाले अनिल यादव और गुड्डू भैया हैं, खुद को सपा का महासचिव बताते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश का नारा भी लिखा हुआ है। इस तरीके के जो भी लोग नारे देते हैं, वो जिस चीज़ को प्रचारित करके नारे देते हैं, उन पर थोड़ा शक की नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये राजनेता हैं, इनका इकलौता काम सत्ता हासिल करना है, ये इनके इन प्रकारण। और पत्रकारिता उसका काम है सत्ता में जो बैठे हैं उनके ऊपर तीखी नज़र रखे, ताकि जिन वादों के साथ वो सिंहासन पर बैठे हैं
उस पर खरे उतरें और नहीं उतरें तो पत्रकार जनता को जागरूक करे, और जो उनको हटाकर सत्ता पर बैठना चाहते हैं उनके नियत उनके मंसूबों पर भी यही पैनी निगाह कायम रहे। और पड़ताल में हम हमेशा यही करते हैं। आप देख रहे हैं dilalantop.com। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है, कोई ऐसा वीडियो है जिसकी सत्यता के बारे में आपको संदेह है, तो उसका स्क्रीनशॉट, वो वीडियो, वो पोस्ट, वो ट्वीट आप हमें lalantopmail@gmail.com पर भेज सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर भी अपनी पोस्ट या अपना स्क्रीनशॉट या अपना फ़ोटो या वीडियो भेज सकते हैं। जो दी ललन टॉप की पड़ताल टीम है वो इसकी जांच करेगी, सभी पक्षों से बात करेगी, फिर आप तक हमेशा की तरह सत्य पहुंचाएगी। शुक्रिया।